हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2021। 8 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन की हाईलाइट मेन पॉइंट्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लास्ट डेट, एप्लीकेशन फी, साथ में अगर फेलोशिप अवेलेबल है तो कहां पर फेलोशिप अवेलेबल है और कितनी फेलोशिप मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल की जा सकती है किस यूनिवर्सिटी में। इस वीडियो की खास बात यह है कि सभी यूनिवर्सिटीज जो यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं ये बेहद ही खास यूनिवर्सिटीज हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटीज हैं, इन अ वे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी आप बुला सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आप पूरी डिटेल कवर करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन हम कवर अप करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से। तो BHU रेनाउंड यूनिवर्सिटी हम सभी जानते हैं, यहाँ पर फॉरेनर्स भी आकर एडमिशन लेते हैं एमफिल प्रोग्राम में और पीएचडी प्रोग्राम में। तो इसकी हाइलाइट्स कुछ इस तरीके से, इसकी यहाँ पर ही आप देखें इस पेज पर ही यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है। यहाँ पर वन बाय वन आप डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन हाईलाइट्स बताती हूँ, मेन पॉइंट्स। एक बार इसकी ब्रोशर क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं डिटेल्स। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये, मीन्स ब्रोशर। यहाँ पर दो तरीके से एडमिशन होगी। सबसे पहले जो एडमिशन होगी वो रेट के थ्रू होगी, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, और दूसरा एक मेथड है डायरेक्ट एडमिशन। तो जिनके पास ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री है, मीन्स नेट सेट या फिर JRF या गेट नहीं है, MPhil नहीं है, वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ओनली मास्टर्स डिग्री के साथ भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन मास्टर्स डिग्री में परसेंटेज फिक्स्ड है, 55% होने चाहिए और रिलैक्सेशन दी गई है कैटेगरीज को, तो वो आप चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन भी ली जा सकती है जिनके पास नेट है, JRF है, CSIR नेट है, गेट है, MPhil है, और भी बहुत सारे कंडीशंस में डायरेक्ट एडमिशन दी जा सकती है। यहाँ पर जो अभी फिलहाल अवेलेबल है एडमिशन MPhil के लिए है, इंटीग्रेटेड MPhil PhD के लिए है और PhD के लिए है। PhD दो तरीके से, डायरेक्ट एडमिशन एंड एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। यहाँ पर फेलोशिप भी शॉर्टलिस्टेड, कुछ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फुल टाइम स्कॉलर्स को, PhD स्कॉलर्स को फेलोशिप भी अवेलेबल कराई जा रही है। फी भी हम देख लेते हैं एक बार, और बाकी सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं और बहुत ही ज्यादा सीट्स भी यहाँ पर अवेलेबल आपको मिलेंगे। इस ब्रोशर में आप देखेंगे सारी चीज सिस्टमेटिकली दी हुई है, पेज नंबर 26-27 पर आपको कैसे एकेडमिक रिकॉर्ड की कैलकुलेशन करनी है या फिर आपको देखना है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ब्रोशर में पेज वाइज आप चेक कर सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। ये पेज ब्रोशर जो है ये 58 पेजेस की है। 58 पेजेस में पेज नंबर 12 पर साफ लिखा है कि पीएचडी है, इंटीग्रेटेड MPhil PhD है, MPhil प्रोग्राम है, और पीएचडी में भी थ्रू एंट्रेंस टेस्ट है एंड डायरेक्ट एडमिशन है, रेट एग्जेम्प्टेड है। सब्जेक्ट की लिस्ट काफी ज्यादा बड़ी है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, आर्ट्स में आप सब्जेक्ट देख सकते हैं स्क्रीन पे, काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स है, कॉमर्स है, सोशल साइंस है, साइंस है, संस्कृत है, मेडिसिन, आयुर्वेद, डेंटल साइंस, लॉ, एजुकेशन, संस्कृत, साइंस, आर्ट्स, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, सोशल साइंस, मेडिसिन, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, काफी ज्यादा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी अवेलेबल बताए गए हैं कि कौन से सब्जेक्ट में क्या कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, डिटेल भी यहाँ पर दी गई है सब्जेक्ट में, कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से एग्जैक्टली स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, तो ये डिटेल ब्रोशर अवेलेबल है यहाँ पर। अभी हम फीस चेक कर लेते हैं। फी कुछ इस तरीके से, एप्लीकेशन फी जनरल कैटेगरी के लिए ₹800 है और ST SC PWD के लिए ₹400 एप्लीकेशन फी यहां पर होने वाली है। पेज नंबर 52 पर फेलोशिप के बारे में दी हुई है। यहां पर अगर फेलोशिप आप समझना चाहें कि किस तरीके की फेलोशिप अवेलेबल है तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट होने वाली है, रेट है या MPhil है, इंटीग्रेटेड MPhil 2020, इसके लिए एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 22 फरवरी 2021, 22 फरवरी 2021 तक लास्ट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट भी दी हुई है, 19 मार्च 2021 को एंट्रेंस टेस्ट ली जाएगी। एडमिट कार्ड कभी अवेलेबल होगी, ये पेज नंबर 44 पर, इस डिटेल ब्रोशर के पेज नंबर 44 पर आपको यहां पर डेट्स की सारी जानकारी दी गई है।
नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़। तो ये कर्नाटक यूनिवर्सिटी कर्नाटका में है, आप नाम से समझ सकते हैं। इसके जो पेज है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन की पेज है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन इंग्लिश में अगर डाउनलोड करना चाहें तो इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप कन्नड़ा में डाउनलोड करना चाहें तो कन्नड़ा में कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी दी हुई है, तो इंग्लिश वाली ब्रोशर हम एक बार क्लिक करके हाईलाइट्स चेक कर लेते हैं। कर्नाटका यूनिवर्सिटी धारवाड़ में है, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो इसे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी समझ सकते हैं। 29 जनवरी 2021 की नोटिफिकेशन है पीएचडी एंट्रेंस के लिए। यहाँ पर आप कैंडिडेट में रजिस्टर इधर और फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी, तो फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों टाइप के पीएचडी यहाँ पर अवेलेबल है। कैंडिडेट शैल सबमिट ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू चेयरमैन ऑफ द, 17 फरवरी 2021 तक आप यहां पर एप्लीकेशन भेज सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहने वाली है 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो इसका मतलब है विदाउट नेट सेट या गेट वाले, विदाउट गेट वाले कैंडिडेट भी यहां पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिनकी मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स हो। एसटी एससी और अदर कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन 5% की दी गई है। एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू यहां पर होगी एंट्री मींस एडमिशन, और जिनके पास ये सारे चीजें हैं जिनमें से कोई भी एक आपने ली हुई है डिग्री, क्वालिफाई की हुई है कोई भी एग्जाम जो मेंशन है, लाइक गेट क्वालिफाई किया है या नेट क्वालिफाई किया है या फिर ये कोई भी एग्जाम यहाँ पर जो मेंशन है 2.2 में, तो एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्पशन मिलेगी आपको। इसके अलावा एग्जाम की स्कीम भी बताई गई है। ये ब्रोशर है आपकी 6 पेजेस में अच्छी तरीके से एंट्रेंस टेस्ट की ड्यूरेशन भी बताई गई है। एक बार हम इसकी फी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फेलोशिप कंपलसरी नहीं है कि आपको यहाँ पर फेलोशिप दी जाएगी, ऐसा मेंशन्ड है यहाँ पर। सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं इंग्लिश वगैरह है, काफी सब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, कॉमर्स भी है, और ये सब्जेक्ट की लिस्ट आपको पेज नंबर 3 पर मिलती है कि जिसमें पीएचडी की जा सकती है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज मींस नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पर अच्छी तरीके से बताए गए हैं। काफी सारे सब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं और सीट्स भी किसी किसी में बहुत ज्यादा, जैसे इकोनॉमिक्स में 12 सीट्स नजर आ रहे हैं, सोशियोलॉजी में 14 सीट्स नजर आ रहे हैं, और जिन सब्जेक्ट्स में नहीं है वहां पर नील लिखा हुआ है। अभी इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं और एप्लीकेशन फी 2000 रुपीज है जनरल कैटेगरी के लिए, एससी एसटी कैटेगरीज के लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है शायद, या आपको चेक करनी होगी। मोस्टली यहाँ पर एप्लीकेशन आपको भेजनी है ऑफलाइन मोड में। एक बार आप इसको डिटेल ब्रोशर पढ़ लें। कर्नाटका यूनिवर्सिटी धारवाड़ के लिए लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 17 फरवरी 2021। तो डाउनलोड करनी है वेबसाइट से आपको और भेज देनी है, लेकिन लास्ट डेट 17 फरवरी 2021 तक रहेगी। एंट्रेंस टेस्ट की डेट है 26 फरवरी 2021, 26 फरवरी 2021 एंट्रेंस टेस्ट की डेट रहेगी, एंड अदर डेट्स आर ऑल्सो मेंशनड ऑन पेज नंबर 5 ऑफ द ब्रोशर। नेक्स्ट पीएचडी की नोटिफिकेशन आई हुई यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल से। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल ये आपके वेस्ट बंगाल में आता है, वेस्ट बंगाल स्टेट में है। यहाँ पर डिटेल ब्रोशर अभी अपलोड नहीं हुई थी, जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ डिटेल ब्रोशर अपलोड हो जाती है तो आपको सब्जेक्ट की डिटेल एटसेट्रा यहाँ से मिलेगी। फिलहाल एक छोटी सी नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें आपको लास्ट डेट बताया जा रहा है 23 फरवरी 2021 इज द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन। इसके अलावा यहाँ पर एमफिल एंड पीएचडी दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन ऑफर की जा रही है। 23 फरवरी 2021 इज द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन। स्मॉल नोटिफिकेशन इस तरीके से, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी, तो स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द सेशन 2020-21, बट ये 21-22 के लिए हो गया। यहाँ पर एप्लीकेशन फी लिखी है ₹200, तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज है ₹200, एंड ₹100 फॉर एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज, एंड क्लोजिंग डेट इज 23 फिफ्थ 2021। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी होगी, डिटेल ब्रोशर डाउनलोड करें और सब्जेक्ट एटसेट्रा आप खुद चेक कर सकते हैं। फी काफी नॉमिनल है तो आप जरूर यहाँ पर चेक करें डिटेल्स। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला हिमाचल प्रदेश में है।
ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो इसकी एक ब्रोशर हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें पीएचडी एडमिशन नोटिस फॉर द सेशन 2020-21 लिखी हुई है, पर ये 21 के लिए है, अभी ईयर 21। इस डिटेल ब्रोशर को यहाँ पर हम क्लिक करके चेक करते हैं हाईलाइट्स। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की जो पीडीएफ है, ब्रोशर पीडीएफ, वो बहुत ही इसकी डिस्प्ले अच्छी नहीं है, पर जो नजर आ रहा है 10 फरवरी 2021 इज द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन। सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, बायोटेक, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजुअल आर्ट, सोशियोलॉजी, लॉ, एजुकेशन, साइकोलॉजी, टूरिज्म, मैनेजमेंट, दीनदयाल उपाध्याय थॉट। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, 10 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। एक बार हम और भी देख लेते डिटेल की किस तरीके से ऑनलाइन एलिजिबिलिटी में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स। यहाँ पर भी एप्लीकेशन के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ, और बाकी कैटेगरीज के लिए 5% की रिलैक्सेशन है। स्टिल आप एक बार कंफर्म हो ले। कुछ एक्स्ट्रा वेटेज दी जा रही है जिनके पास नेट, गेट या स्लेट या एमफिल एटसेट्रा है, तो आप यहाँ पर देख लें। और नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पर बताए गए अच्छी तरीके से, कौन से डिपार्टमेंट में कितने सीट्स अवेलेबल हैं, तो वो भी चेक की जा सकती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल की जा रही है एडमिशन के लिए। एंट्रेंस टेस्ट की डेट भी दी हुई है 26 फरवरी 2021, 26 फरवरी 2021 डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ इस पेज में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, डाउनलोड प्रोस्पेक्टस, अभी प्रोस्पेक्टस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर चेक कर लें प्रोस्पेक्टस कहाँ पर अवेलेबल है, जिससे आपको फी एटसेट्रा का आइडिया लग जाए। फिफ्थ जो हम कवर करेंगे एडमिशन नोटिफिकेशन, वो है कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोची से। कोची ये केरला में है, एंड दिस इज अ गवर्नमेंट ऑन्ड ऑटोनोमस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, तो ये गवर्नमेंट ऑन्ड है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो एडमिशन है वो MHRD DRDO फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत है, मीन्स MHRD DRDO इन कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप फेलोशिप अवेलेबल कराएगी और साथ में PhD भी एडमिशन प्रोवाइड करेगी। तो इसकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर मोस्टली साइंस के सब्जेक्ट्स, साइंस सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स और एमटेक वाले कैंडिडेट्स एप्लीकेशन डाल सकते हैं। क्या क्या यहाँ पर रिसर्च टॉपिक है दी गई है, तो एमटेक वाले कैंडिडेट्स प्लीज चेक कर लें इसे, और साथ ही साथ एमएससी वाले कैंडिडेट के लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर फेलोशिप अवेलेबल कराई जा रही है, फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत ही यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन दी जा रही है। इसका मतलब है जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एप्लीकेशन डालेंगे और सेलेक्ट होते हैं फाइनली, उन्हें इस स्कीम के अंतर्गत फेलोशिप स्टाइपेंड दी जाएगी मंथली और पीएचडी में एडमिशन मिलेगी। तो ये पूरी डिटेल्स ब्रोशर में आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कवर करते हैं, नेक्स्ट डिटेल हम कवर करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ से। ये गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर भी PhD की एडमिशन नोटिफिकेशन आई हुई है। तो यहाँ पर लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की, इसकी डेट ओवर हो चुकी है, 5 फरवरी 2021 लास्ट डेट थी, लेकिन एडमिट कार्ड जिन लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशन डाली है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में, उनके लिए एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे 15 फरवरी 2021 से, और एग्जाम होगी 20 फरवरी 2021 को। सॉरी ये डेट निकल चुकी है इसकी, बट एडमिट कार्ड अवेलेबल होने वाले हैं। नेक्स्ट होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट से, ये भी नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, यहां से PhD एडमिशन नोटिफिकेशन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट लोकेशन पे आपको मिल सकती है अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर देखें कई मल्टीपल लोकेशंस हैं। लास्ट डेट इसकी 28 फरवरी 2021 है। द सिलेक्टेड स्टूडेंट विल बी एडमिटेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशन, मुंबई में है, कलपक्कम में है, गांधीनगर गुजरात में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और ये कलपक्कम साउथ में है। तो यहाँ पर ऐसे किसी भी चार सेंटर में आपको मिल सकती है एडमिशन। इसकी लास्ट डेट 28 फरवरी है। और अब थोड़ी डिटेल और देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, द अमाउंट ऑफ फेलोशिप पेबल अंडर द स्कीम इज ₹60,000 पर मंथ।
तो 60,000 रुपए यहाँ पर फेलोशिप अवेलेबल कराई जा रही है, कंटिंजेंसी अमाउंट भी दी जा रही है 40,000 रुपीज एनुअली, और ये जो फेलोशिप है ये मंथली होगी 60,000 रुपीज पर मंथ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटसेट्रा भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। बेसिकली एमई एम टेक कैंडिडेट्स के लिए है। एमई एम टेक कौन कौन से कैंडिडेट्स, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन वाले कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एमई एम टेक में, और बी बी टेक में भी 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप एप्लीकेशन यहाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। और बाकी की डिटेल्स के लिए आपको यहाँ पर चेक करनी होगी सारी कंप्लीट ब्रोशर, एडमिट कार्ड डाउनलोड और इंटरव्यू डेट एटसेट्रा, ये सारी चीज यहाँ पर आपको, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन सारी डेट यहाँ पर दी हुई है। लास्ट डेट है 28 फरवरी 2021, 28 फरवरी 2021 इज द लास्ट डेट। लास्ट जो हम कवर करने जा रहे हैं आईआईटी गांधीनगर से स्टार्ट अर्ली पीएचडी। तो स्टार्ट अर्ली पीएचडी मींस यहाँ पे बी बी टेक कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ अभी फिलहाल पीएचडी ओपन है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आते रहते हैं बीच बीच में, तो वो मैं नोटिफाई करूंगी। इसकी डेडलाइन है 20 फरवरी 2021 लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो स्टार्ट अर्ली पीएचडी का मतलब है कि विदाउट मास्टर्स वाले कैंडिडेट जो पहले से ही पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं तो उनके लिए है। तो यहाँ पर कंप्लीट ब्रोशर डाउनलोड करके इसकी डिटेल पढ़ी जा सकती है कि किस तरीके यहाँ पे ब्रोशर अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फेलोशिप यहाँ पर वो काफी अच्छी दी जा रही है, 41,000 रुपीज पर मंथ फेलोशिप होगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक बार चेक कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है बी टेक फ्रॉम एनआईटीज एंड सिलेक्टेड कॉलेजेस हु विल ग्रेजुएट इन 2021 और हैव ग्रेजुएटेड इन 2020, वो एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये बी बी टेक कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिनको मास्टर्स किए बिना पीएचडी में अर्ली प्रोग्राम में पीएचडी प्रोग्राम में रजिस्टर होना चाहते हैं। बाकी डिटेल आप अगर समझना चाहते हैं तो इसकी ब्रोशर को कंप्लीटली डाउनलोड करें, पढ़ें और इसको समझें। सभी यूनिवर्सिटीज की लिंक जो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जिसकी डिटेल मैंने इस वीडियो में कवर अप की है। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।